पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा लगातार अराजकता की शिकायत मिलने पर बुधवार को एसपी सिटी डॉक्टर कौसदुम ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान एक ही बाइक पर तीन तीन सवारी करते तथा बिना आई कार्ड के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वालों को रोक कर चेक भी किया। निरीक्षण के दौरान एसपी वासियो कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे, इंस्पेक्टर कैंट रवि राय सहित एलआईयू डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने बिना हेलमेट के जा रहे छात्रों टीचरों को हिदायत दिया कि बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौसदुम ने कहा, निकले हैं इतने लोग हैं साथ में, तो गाड़ियां हैं पर लाइसेंस तो होगा ना, तुम चला रहे हो गाड़ी, मतलब भले दूसरे की गाड़ी चला रहे हो, ये तो चाहिए। हाँ, क्या पढ़ते हो? 12वीं पास है, यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? सब बारी कर लो, साइड में कर लो। हर बार चार बार लोग जाते सर। एक बार सीओ को दौरे से बात करते हो, एसएचओ को दौरे से बात करिए सर, इन सब को रुकवा के एक बार देख लीजिए। यहाँ एक बार आगे नंबर प्लेट भी लिखवा लें सर। नंबर प्लेट लिखवा लो यार, आपके इस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। आगे नंबर प्लेट नहीं लिखवाने का क्या है सर? हाँ देखिए देखिए, वो पीछे वाले लिखवाए और आप लोग अध्यापक होकर फैकल्टी होगी, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया, आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लगाएंगे तो स्टूडेंट्स भी लगाएंगे, अगर ऐसा होगा यहाँ गिरने से चोट न लगती है तो हमें बताएं। नहीं सर, देखिए आगे नंबर करिए भाई साहब। बिना मत घूमिए, ठीक है? पढ़ते हो यहाँ, क्या करते हो? आप लोग जो हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगा चलो, सुरक्षित रहो। कॉलिंग करने गोरखपुर विश्वविद्यालय है, काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय काफ़ी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। हमारे पास एक दो सूचनाएं आई थी कि यहाँ पे कुछ बाहर के लड़के आके उपद्रव कर रहे हैं और चुनाव भी आने की संभावना है या नहीं, उसके उसको कारणवश अभी मेरे द्वारा सीओ कैंट सीओ एलआईयू तथा थाना कैंट की फोर्स द्वारा यहाँ पर ऐसे एक बार भ्रमण किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान दो मोटरसाइकिल पे तीन 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 बच्चे बैठे हुए थे, छः संदिग्ध लोग मिले हैं। उनसे अभी कोई आई कार्ड प्राप्त नहीं हुआ कि यहाँ के हैं कि नहीं, प्लस उन्होंने कुछ औजार औजार से रखे हुए थे, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस पर्पज़ से यहाँ पे घूम रहे थे। लगातार यहाँ पे थाना कैंट तथा बाकी अधिकारियों द्वारा भ्रमण करते रहा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न होने पाए।